हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी एमपी संगमित्रा मौर्य ने सड़क सुरक्षा के प्रति फैलाई जागरूकता। 20 सड़क वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा सांसद ने कई वाहन चालकों को हेलमेट भी बांटे। हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं, चालान के डर से नहीं। और जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था, उन्हें हेलमेट देकर के लिए बताने का काम किया गया है कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के। बदायूं के नवादा चौराहे पर ट्रैफिक के बीच खड़ी ये हैं भाजपा सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य। ये सड़क पर खड़े होकर आम वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक कर रही हैं। आजकल जहां नए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस भारी भरकम चालान काट रही है, वहीं जनता में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए भाजपा सांसद ने दुपहिया वाहन चलाने वालों को रोक रोक कर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। भाजपा सांसद संगमित्रा ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जनता को हेलमेट भी बांटे। सांसद ने सभी वाहन चालकों से कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल सिर्फ चालान कटने के डर से न करें, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो इसका असर आपके पूरे परिवार पर भी पड़ता है। इस मौके पर भाजपा सांसद ने 20 सड़क कई वाहन चालकों से बात की। हालांकि मौसम में काफी उमस थी, लेकिन फिर भी महिला सांसद ने काफी देर सड़क पर समय बिताया और हेलमेट बांटे और लोगों से बात करके उन्हें सदा हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, परिवार सुरक्षित हो, वो सुरक्षित हो, इसलिए नियम और हेलमेट या कागज, पर्यावरण, इन सब पे जो नियम बनाए हैं, ये लोगों के हित के लिए है। ये जागरूक करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर चौराहे पर खड़े हैं। और जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था, उन्हें हेलमेट देकर के लिए बताने का काम किया गया है कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए। यदि आप हेलमेट लगा के चलेंगे 800, 1000, 1200, 1500 जितने का भी, तो उससे ज़्यादा का आपका चालान कट रहा है। आप हेलमेट लेकर के चलिए, आप सुरक्षित रहेंगे, चालान कटने से भी बचेंगे। और जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, हम उससे भी अपने आप को जो भी है सबके लिए हैं। और हमने ये भी कहा था कि मैं जब भी आऊँगी दोबारा, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं परसों आई थी और आज आई हूँ, कल का गैप था और हमारी गाड़ी में काली पन्नी हट चुकी है, क्योंकि नियम मैडम ये नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम दूसरे को निर्देश नहीं दे सकते। ये जागरूकता अभियान लोगों को जागरूक करने जब तक नहीं जागरूक हो जाए, क्योंकि मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। इसीलिए समय समय पर मोदी जी जागरूकता अभियान के माध्यम से कभी सफाई अभियान, कभी बेटी बचाओ अभियान, इस तरह के वो लाते रहते हैं। ये नियम भी जो आया है वो भी एक जागरूकता अभियान के ही तहत है, तो ये अभियान चलता है।